प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी, 14 वर्ष की प्यारी सी दुल्हनिया। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की नई नवेली। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के बन गए। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध रखकर मिसरानी को जींस देने गई और दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू को ऐसा परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू खीर से भरी कटोरी लेकर कमरे में पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया, मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली ही। मोर्चा बंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे तथा बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसको हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का बर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई तो कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस, न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद नहीं आई। केसदाओं से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, पड़े पड़े यही सोचती रही। सुबह हुई तो वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहरी पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गईं।
अब रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगी। जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए, तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू, ये क्या कर डाला? सास बोली, हाँ, ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए, तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू, ये क्या कर डाला? महरी ने कहा, फिर क्या हो? कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास की जान में जान आई, अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पास पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी है। पंडित परमसुख को जब ये खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित रामसुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, रंग गोरा, गोखुरी चोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था, तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिसरानी, किसनू की माँ, छुन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। किसनू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पन्ना देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तो नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिसरानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कराए, रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है? हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बताओ, क्या किया जाए? क्या किया जाए? यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी, तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छुन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए तो पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परम सुख मुस्कराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से क्या कम होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो और आगे आपकी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख की ओर देखा।
अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, यह तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित राम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा। नोट: जब ये कहानी लिखी गई, तब आज की तुलना में वस्तुओं की कीमत बहुत कम थी। पर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में, वैसा उसे खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़ी हैं। अरे 150 रुपया आप लोगों के हाथों का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिसरानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च कौन अखरेगा? रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्करा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उसे मुंह न मोड़ो। फिर जरा कुछ बिगड़कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है। अगर तुम्हें यह अखरता हो तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं। मिसरानी, छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हो? 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो। मिसरानी ने मुस्कराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा तो अब प्रायश्चित का प्रबंध कराओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध कर रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित की बात समाप्त भी न हुई थी कि मेहरी हाफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई।